हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो यार कुछ ज़्यादा ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि यार आज की वाली वीडियो के अंदर मैं आपको आपके स्नैपसीड ऐप का यूज करके, यानी कि स्नैपसीड ऐप के अंदर डबल एक्सपोजर आइकॉन का यूज करके आपको कुछ इस टाइप की फोटो क्रिएट करना, यानी कि एडिट करना सिखाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा ईजी वे से। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस कमाल की वीडियो को एंड तक फुल फोकस से जरूर वॉच करना। अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स बिगिन। तो चलो गाइस यार, सबसे पहले आपको आपका स्नैपसीड ऐप यहाँ पर ओपन कर देना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करके यहाँ पर आपके जो मतलब के जैसे ही क्लिक कर लेते हो, यहाँ पर आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, गैलर से यहाँ पर आपको वो वाला अपना फोटो सेलेक्ट कर देना होगा जिसको भी आप यानी कि डबल एक्सपोजर की हेल्प से एकदम नेक्स्ट लेवल बनाना चाहते हो। यहाँ पर मैं जो है वही वाला फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप ही मतलब कि आप देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो सबसे पहले मतलब कि एक ट्रिक है, सबसे पहले आपको अपने फोटो को रिटच करना होगा, देंगे जिसको एकदम नेक्स्ट लुक का बना देना होगा, यानी कि नेक्स्ट लेवल लुक का बना देना होगा, यानी कि रिटच और भी बहुत ही ज्यादा काम है स्मूथ जैसे कि हो गया। तो इस टाइप से अगर आप बना लेते हो देंगे, फिर आप डबल यानी कि एक्सपोजर का यूज करोगे, फिर आपका फोटो अच्छे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा यार ऐसे ही लगा दोगे। तो सबसे पहले आपको इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करना होगा, देंगे इस ट्यून इमेज वाले आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने बाद इस टाइप से कुछ इस टाइप की ब्राइटनेस बढ़ा देनी होगी। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टेंट, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट को भी यहाँ पर बढ़ा देना होगा। फिर सेचुरेशन को थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ा देना होगा। एम्बेंस को यहाँ पर कुछ इतना सा यहाँ पर आपको कम कर लेना होगा, लगभग 50 होना चाहिए, यानी कि 50 के अराउंड होना चाहिए। फिर इसकी जो है हाईलाइट से थोड़ी सी यहाँ पर आपको बढ़ा देनी होगी, लगभग 30 के अराउंड होनी चाहिए अभी। फिर इसकी शेडो थोड़ी बहुत कम करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो चलो भाई सर, अभी आप देख सकते हो आपका फोटो यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से लाइट आ गई है इस पर। तो ये ना आपको इस पेंसिल वाले आइकन में यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, देंगे सिलेक्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, ये आप रेड प्लस के आइकन देख पा रहे हो, ये वहाँ पर आपको रख देनी होगी जहाँ से आप अपने फोटो को वाइट यानी कि रिटच करना चाहते हो, गोरा करना चाहते हो। तो वहाँ पर रखने के बाद कुछ इस टाइप से इसकी साइज यहाँ पर डिक्रीज कर देनी होगी आपको, और इस टाइप से इसकी ब्राइटनेस यहाँ पर बढ़ा देनी होगी। तो ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत इस टाइप से अपने फिंगर को मतलब के अप कर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको सेचुरेशन करके आकर देखने को मिल जाता है, उसकी सेचुरेशन -10 रख देनी होगी जब आप करो रिटच। तो आपको ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि आपको यहाँ पर आपको -10 के अराउंड यहाँ पर रख देनी होगी। नहीं रख रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप रख रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वो तो नथिंग इसके नहीं रख रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है बट नथिंग इसके इतना नहीं पड़ेगा। तो इसी टाइप से आप अपने फुल फेस को यहाँ पर रिटच कर देना होगा, गोरा कर देना होगा, जैसे कि भी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और जैसे आम वहाँ पर एकदम खतरनाक तरीके से यहाँ पर आपको जैसे कि भी आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ, और इसी टाइप से आपको भी करना होगा। फिर सिंपल यहाँ पर राइट में क्लिक कर देना होगा। तो चलो गाइस यार, इतना काम कर देने के बाद अभी आपको इस पेंसिल वाले आइकन में यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस डिटेल्स वाले आइकन में क्लिक करना होगा। इस टाइप से इसकी जो स्ट्रक्चर है -100 कर देने की, देंगे यहाँ पर राइट में क्लिक करना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, ऊपर से एडिट स्टैक में क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर व्यू एडिट्स के बाद डिटेल्स बीच में से फिर आपको ले देने को, देंगे इसकी सेचुरेशन आपको 100 कर देने की, और इस टाइप से अपने फोटो को जूम इन कर देंगे जिस टाइप से इस पर ब्रश आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देने की, यानी कि अभी आप देख ही सकते हो। तो इस टाइप से अगर आप ब्रश ड्रॉ कर लेते हो यानी कि इसके ऊपर आप लगा लेते हो ये वाला इफेक्ट डिटेल्स वाला, तो आपका फोटो यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा। तो उसी टाइप से आपको अपने फुल बॉडी पार्ट पर यहाँ पर आपको अप्लाई कर देने होगी, जैसे कि भी आप देख सकते हो यहाँ पर हैंड वैंड पर एकदम रेंडमली कहीं कहीं से अप्लाई कर देने होगी, ऐसी नहीं कि यार हो गया हो गया, नहीं रेंडम कहीं कहीं से इस टाइप से, जैसे कि भी आप देख सकते हो। तो ये अप्लाई करोगे तो आपकी बॉडी फुल यहाँ पर स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ इस टाइप से कर देना होगा आपको। फिर सिंपल यहाँ पर आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। राइट में क्लिक करने मतलब आपको स्पीड वाला आइकन में क्लिक कर यहाँ पर आपको बैक आ जाना होगा। तभी आपको इस पेंसिल वाला आइकन में यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, और इस टाइप से थोड़ा बहुत नीचे अगर डबल एक्स यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में क्लिक कर देना होगा, सॉरी तो ब्लैक एंड व्हाइट में क्लिक करने पर इसकी जो ब्राइटनेस है यहाँ पर आपको अराउंड 30% रख देनी होगी, जैसे कि आप देख सकते हो -30% सॉरी। फिर सिंपल यहाँ पर आपको राइट में क्लिक करना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद अभी आपको ऊपर इस एडिट स्टैक में क्लिक करना होगा, देखेंगे यहाँ पर आपको इस व्यू एडिट्स में क्लिक करना होगा। व्यू एडिट्स के बाद ब्लैक एंड व्हाइट, फिर बीच में से बस आपको ले लेनी होगी। फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एडवाइट वाला आइकन में क्लिक करना होगा, और नीचे जो आप ये साइज देख पा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट की, उसको यहाँ पर 0% रख देना होगा, और इस टाइप से अपने फोटो को जूम इन कर और इस टाइप से अपने स्किन पर से ये जो इफेक्ट है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसको यहाँ पर आपको इरेज कर देना होगा, रिमूव कर देना होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे जो है कर रहा हूँ। तो इसी टाइप से आप भी अपनी बॉडी से ये जो इफेक्ट इरेज कर दीजिएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं इसको फट से रिमूव कर लेता हूँ।
तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल आप देख ही पा रहे होगे मैंने ब्लैक इफेक्ट को यहाँ पर इससे रिमूव कर लिया और इरेज कर लिया और सिंपल यहाँ पर राइट में आपको क्लिक कर देना होगा और इस तीर वाला एक सॉरी फिर इस ब्लैक वाइट में क्लिक करके इसकी आई रेंडर रख देनी होगी और ग्लास पर आपको कर देना होगा यार। ये देखो आधी ग्लास हुआ बड़ा था और ऐसे ही चलती है अपने ख्यालों में, तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपको कर देना होगा इसकी इसका बात मत भूलना। अगर आपके पास भी ग्लासेस हैं तो कर दीजिएगा यार, इस मेरे तरह या मत कीजिएगा। तो सिंपल है कुछ नहीं करना, अभी हो जाता खेल दो, फिर सिंपल राइट में क्लिक कर देना होगा, देखिए स्टील वाला आइटम क्लिक कर बैक आ जाना होगा। तो अभी आपको अगेन इस पेंसिल वाले आइटम सॉरी अभी आपको कुछ नहीं करना, इस एरो नीचे जो फेस करा है इसमें क्लिक करना, यहाँ पर आपको इसको सेव कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सेव हो रहा है, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये हमारा इमेज यहाँ पर गैलरी में सेव हो चुका है। तो अभी आपको इस पेंसिल वाले आइटम क्लिक कर देना होगा, फिर आपको कुछ नहीं करना इस वाइट बैलेंस वाला आइकन में क्लिक कर दूंगा, फिर इसकी जो आप टेम्परेचर ऊपर देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है, तो इसकी टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर आपको फुल कर देना होगा यानी कि 100। फिर सिंपल यहाँ पर राइट में क्लिक कर देना होगा, फिर आपको ऊपर इस एडिट स्टैक में क्लिक करना होगा, फिर यहाँ से व्यू एडिट्स के बाद वाइट एड मतलब वाइट बैलेंस फिर बीच में से बड़ा सा फुल ले लेने होगी। तो देंगे अगेन आपको इन्वर्ट वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा, फिर उसी टाइप से जिसने हमें इससे ब्लैक इफेक्ट रेस करा था इसी टाइप से यहाँ पर आपको इससे ये यानी कि टेम्परेचर वाला इफेक्ट येलो इफेक्ट कैसे ऑरेंज इफेक्ट है इससे आपको यहाँ पर रिमूव कर देना होगा जैसे कि भी आप देख सकते हो। तो मैं रिमूव कर मिलता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर। तो चलो गाइस यार फाइनली अभी आप देख सकते हो कुछ ही 2 मिनट के अंदर मैंने इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया यार, 5-6 मिनट लग गए बड़ा तभी चलो हो गया यार। फिर इस स्टेप से आपको अपने हेयर पर से इसको रिमूव कर देना होगा, पर बाकी यहाँ गाइस यार ये रिमूव हो चुका है, इसमें कोई आपका काम नहीं है यानी कि मतलब आगे कोई काम आपको इस पर नहीं करना, बस इस गिलास पर मैंने आपको कहा था कि रिमूव आपको इससे कर देना होगा, ये वाला इफेक्ट कर देना होगा समझ रहे हो। फिर सिंपल यहाँ पर राइट में क्लिक करना होगा, रिमूव कर देना होगा, कर देना होगा नहीं, फिर सिंपल आपको स्पीड वाला आइकन क्लिक कर बैक आ जाना होगा। तो ओके ना कुछ पेंसिल वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा, देंगे अभी जो मैंने आपको पहले काम बोला था अभी हम करने वाले हैं यानी कि डबल एक्सपोजर वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे जैसे आप क्लिक कर लेते हो यहाँ पर आपको छोटी सी एक गैलरी का आइकन देखने को मिल जाएगी, तो इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो गैलरी है भाई ऑब्वियसली वही ओपन हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, गैलर से यहाँ पर आपको जो अभी आपने फोटो सेव करा था ना यानी कि ब्लैक इफेक्ट वाला उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो सिलेक्ट हो चुका है बट इसकी साइज क्या है तभी आपको नजर नहीं आ रहा। फिर आपको कुछ नहीं करना, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको इसको सेट कर देना होगा जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर आपको बीच से स्टाइल में क्लिक करके इसको यहाँ पर लाइटिंग कर देना होगा और कुछ इस टाइप से और यहाँ पर आपको इसको सेट कर देना होगा जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर इसको मतलब के सेट करने में लगा हुआ हूँ। तो कुछ इसी टाइप से आपको भी यहाँ पर इसको सेट कर देना होगा जैसे कि भी आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर ऊपर रखते हैं जैसे कि यानी कि इस टाइप से आपको यहाँ पर सेट यार सेट करने में थोड़ी बहुत हालत ख़राब हो जाती है यार, इसके बेस्ट में वही लगता है वही वाला पार्ट यानी कि सेट करने वाला जो जितना सेट करोगे अच्छी तरीके से वही आपका रिजल्ट यहाँ पर फाइनल होने वाला है। तो कुछ इस टाइप से हम इसको कर लेते हैं यार, एकदम प्रॉब्लम सी थोड़ी बहुत तो आ ही रही है यार। फिर आपको इस ओपेसिटी वाला अगर मैं क्लिक कर देना होगा, देंगे इसकी ओपेसिटी यहाँ पर थोड़ी कम कर सिंपल फिर यहाँ पर राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलो भाई सर इतना काम कर देने के बाद अभी आपको ऊपर से एडिट स्टैक में क्लिक कर देना होगा, फिर यहाँ से व्यू एडिट्स के बाद मतलब डबल एक्सपोजर फिर बीच में से बस आपको ले लेंगे। तो देंगे जब आपको इस इन्वर्ट वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा तो अभी आप देख सकते हो आपके एक्चुअल बॉडी पर भी ये जो है आपका आ गया है फोटो, तो आपको यहाँ पर जीरो कर देने के और इसी टाइप से आपको अपने एक्स्ट्रा पार्ट पर जो आ चुका है अपनी बॉडी पर भी आ चुका है, तो इसी टाइप से यहाँ पर आपको इसको इरेज कर देना होगा यानी कि रिमूव कर देना होगा अपनी बॉडी से ये वाला इफेक्ट को, यानी कि इफेक्ट है द एक्चुअल बॉडी आपकी यही है जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बॉडी है ना ये है हमारी एक्चुअल बॉडी। तो इसके हेयर पर भी बहुत ही ज़्यादा गंदा सा इफेक्ट आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ कि फुल यहाँ पर रिमूव करके देखिए अगर आपको दिखा लेता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर रिमूव कर लिया हूँ। सिंपल है यहाँ पर आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, फिर आप ऊपर तीर वाला आइकन में क्लिक कर बैक आ जाना होगा। अभी आपको इस पेंसिल वाला आइकन में क्लिक कर डबल एक्सपोजर में क्लिक कर देना होगा, देंगे जिस गैलरी वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो मैं जो इसके लिए एक PNG एड करने वाला हूँ सन की PNG, अगर आपको वो वाली चाहिए तो मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको बीच स्टाइल वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा, देंगे जिसको एड कर देना होगा और यहाँ पर आप चाहो जहाँ पर मतलब कि चाहो वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हो। फिर सिंपल आपको
कुछ नहीं करना, सिंपल है। यहाँ पर आपको जो है इसको हम थोड़ा सा यहीं पर सेट करने वाले हैं, यानी कि इसको सिंपल यहाँ पर राइट में क्लिक कर देना होगा। तभी आपको इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, देंगे जिस टेक्स्ट वाले आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको डबल क्लिक कर देना होगा, तो देंगे यहाँ पर आपको जो है ये रिमूव कर कर और यहाँ पर आपको दी हीरो टाइप कर देना होगा, जैसे कि भाई आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जो है कर रहा हूँ। तो इसी टाइप से आपको भी यहाँ पर आपको टाइप कर ओके में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने पर कुछ इस टाइप इसको रोटेट कर कर और यहाँ पर आपको इसको सेट कर देना होगा, जैसे कि भी आप देख सकते हो। मानता हूँ नजर नहीं आएगा बट सिंह के मेरे पास सोल्यूशन है यार, तो सिंपल लगा देना होगा, सीधा सा लगना चाहिए बट सिंह के सोल्यूशन मेरे पास हो रहे हैं यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इतना काम कर देने के बाद सिंपल राइट में क्लिक कर देना होगा, फिर आपको इस तीरा लाइकन में क्लिक कर देना होगा, देंगे डबल एक्सपो तक, डबल एक्सपो तक के बाद गैलरी में क्लिक कर देना होगा। तो वही वाली संजीव ये नहीं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देने की जो अभी अभी आपने सिलेक्ट करी थी, फिर आपको बीच में क्लिक कर देना होगा स्टाइल वाले में, देंगे यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा लाइटन कर देना, थोड़ा सा नहीं बस इस टाइप से लाइटन पर आपको इसको यानी कि क्लिक कर देना होगा। फिर आपको सिंपल राइट में क्लिक कर देना होगा, देंगे जब ही आपको पेंसिल का आइकन डबल एक्सपोजर, इसके बाद गैलरी अगेन आपको वही वाली पीएनजी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देनी होगी जो मतलब आपकी लाइट वाली, फिर बीच में से क्लिक कर रहे हैं यानी कि स्टाइल में क्लिक कर इसको ऐड कर देना होगा। इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि भाई आपको पता है कि किस में क्लिक कर देना है। अगर आप ऐड में क्लिक कर लेते तो वो भी अच्छा सा है बट उसमें जिसके वो नजर नहीं आएगा डी हीरो वाला पार्ट, तो इसका वो चीज़ करना सिंपल इस टाइप से आपको इसको एडजस्ट कर देना होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कर लिया हूँ। तो फिर सिंपल यहाँ पर राइट में क्लिक कर देना होगा। तो चलो भाई सर, अभी आप देख सकते हो आपकी फोटो एडिटिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। सेव करने के लिए तीन बार एक सेव में क्लिक कर देना होगा। तो चलो भाई सर, अभी आप देख सकते हो आपकी फोटो एडिटिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में नेक्स्ट लेवल एडिटिंग हो गई है। चलो भाई सर, आज की सारी वीडियो बताना है, होप आपको ये एडिटिंग और ये वाला वीडियो दोनों ही जरूर अच्छे लगेंगे, और वीडियो चैनल और वीडियो चैनल एंड एडिटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे न्यू हो इसी टाइप के धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो बाकी यार आज की सारी वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।